2019 में हारी सीटों के लिए भाजपा का मेगा प्लान, 144 सीटों से 40 पर मोदी करेंगे रैलियां। पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा, पीएम मोदी ने मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव किया घोषित। यूपी के भदोही में मां दुर्गा पंडाल में अग्निकांड, अब तक 11 लोग की गई जान। राजद की बैठक से बाहर निकल गए तेज प्रताप, बोले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने की गाली गलौज। केजरीवाल के हिंदू विरोधी मंत्री ने दिया इस्तीफा, राजेंद्र पाल ने देवी देवताओं को ना मानने की दिलाई थी शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां मुख्यालय के बिछिया धरना स्थल पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया। आपको बता दें कि इस अवसर पर वक्ताओं ने काशीराम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला तथा बहुजन समाज को आगे बढ़ाने उनके योगदान की चर्चा की। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय कार्यालय से निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर माननीय काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए, और उसी परिनिर्वाण दिवस की कड़ी में आज इस चंदौली जनपद में जो मुख्यालय पर मनाया जा रहा है, उसमें मैं पटेल विजयनारायण वर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आमंत्रित किया गया था। और माननीय काशीराम के आंदोलन और उनकी जो भूमिका रही है समाज को जगाने में, उस पर हमने प्रकाश डाला। आगरा में हजरत सैयदना अलोली बाबा दरगाह से जुलूस बड़ी शान और शौकत के साथ निकल गया। जुलूस का आगाज दरगाह हजरत औलिया बाबा पर चादर पोशी करके दिया किया गया। इसमें हजारों की तादाद में आका के चाहने वाले शरीक हुए। उसके बाद हुसैन ने सरकार ने नात और नजराना पेश करते हुए अपनी अकीदत का इजहार किया। की जानिब से ये जुलूस मोहम्मदी आज निकाला जा रहा है, जिसमें हमारा पैगाम ये कि हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रहे और हिंदुस्तान सब दुनिया के सर का ताज बने, विश्व गुरु बन के रहे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है अमन शांति का, हम लोग गहवारा हैं, अमन शांति कायम रहे। खबर औरैया से, जहां 12 वफात और वाल्मीकि जयंती को शहर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर शहर में मोहम्मदी जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद इशाद और नगर पालिका प्रतिनिधि ने फूल माला चढ़ाकर जुलूस का स्वागत किया। तो वहीं वाल्मीकि जयंती के जिलाधिकारी और नगर पालिका के कर्मचारियों ने वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मिलकर त्यौहार मनाया। ये हमारे शासन संस्कृति विभाग का एक आदेश था कि वाल्मीकि जयंती अच्छे ढंग से मनाई जाए, जो वाल्मीकि मंदिर अगर है तो वहाँ पर, अन्यथा राम मंदिर शिव मंदिर कहीं भी हो वहाँ यथासंभव वाल्मीकि रामायण का पाठ करवाया जाए। तो हमारे नगर पंचायत औरैया में या बड़ी नगर पंचायतें जहाँ पे हैं, नगर पालिका परिषद है, वहाँ पर वाल्मीकि मंदिर ऑलरेडी हैं, वहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने इसको उत्साहपूर्वक मनाया। हम लोग भी उसमें शरीक हुए, वाल्मीकि जी का माल्यार्पण किया गया, और वहाँ पर जो अच्छा काम नगर पालिका की तरफ से हमारे अच्छे कर्मचारियों ने साल भर काम किया था या पॉलीथीन के खिलाफ जो अच्छा मूवमेंट चलाया था, उनको शाल दे करके माल्यार्पण करके और उनको एक सुरक्षा किट दे करके उनको सम्मानित भी किया गया। आज 12 वफात भी है और वाल्मीकि जयंती भी है, जो परम्परागत तरीके से जुलूस मनाए जाते हैं सभी में अनुमति लेकर 35 जुलूस 12 वफात के हैं और 2 जुलूस हमारे वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं, और भी कई जगहों पे छोटे छोटे कार्यक्रम हैं। तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी में अलग अलग से ड्यूटी लगी है, राजपत्रित अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी हुई है और नियमानुसार उसको निकाला जा रहा है। जो भी शासन के निर्देश हैं उनका अनुपालन बखूबी किया जा रहा है।
औरैया में युवक राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर झोले में भरकर ले जा रहा था। वहीं लोगों को पता चलने पर युवक को बुरी तरीके से पीटा, जिसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। युवक को मारपीट कर रहे पुलिस ने लोगों की पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया, तो वहीं वन विभाग की को सूचना दी गई। जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को वन विभाग को सौंप दिया। वन विभाग ने अधिकारियों ने मोर के शव को कब्जे में लिया, जिसके बाद मोर का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना अजीतपुर क्षेत्र में ग्राम गड़िया तिराहे के पास में एक युवक द्वारा जो है एक राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने का मामला संज्ञान में आया था, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पहुंचकर जो है कुछ युवकों द्वारा जो है उस युवक की पिटाई भी की गई। उसको मौके पर थाने पर लाया गया है। वो मृत अवस्था में मोर को संबंधित विभाग वन विभाग को जानकारी दी गई, जिस वन विभाग जो है थाने पर आकर मोर को पीएम के लिए पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए भेजा गया है। और जो युवक है उसमें संबंधित धाराओं में FIR पंच की जो कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में ब्लॉक एटिया थोक बाढ़ से तबाही आ गई है। पिछले 10 दिन से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बाढ़ की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि बिशुही नदी जमकर तांडव मचा रखी है। सैकड़ों घरों में पानी भरा है, कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सरकार ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है। एटिया थोक बाजार, मोहम्मद जमील मेरा नाम है और ये सामान बाजार से लेकर आए हैं और घर आज एक हफ्ते से डूबा हुआ है। अच्छा अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई आप लोगों के पास पहुंचा जानने के लिए, कुछ मदद के लिए? कोई नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पहुंचा। आज एक हफ्ते से परेशान है, कोई यहाँ पहुंचा नहीं है। दिक्कतें तो बहुत सारी हो रही हैं, पर कौन है यहाँ देखने वाला? कोई अधिकारी भी नहीं, कोई शासन प्रशासन भी नहीं, कोई आज तक आया भी नहीं देखने के लिए, झाँकने के लिए। कैसे हो, क्या है, कोई मतलब नहीं। बैराजों व पहाड़ों से छोड़े गए पानी गोंडा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर यह इटियाथोक क्षेत्र में तेलियानी कानून गांव के ग्राम सभा में हम खड़े हैं। ये प्राइम टीवी की टीम आज आकर यहां पहुंची है। आज हम आपको यहां की सच्चाई दिखाएंगे कि प्रशासन जो ताल ठोंक रही है, क्या सत्यता है और क्या यहां की जनता बया कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इधर यह धान की फसलें बिल्कुल डूबी हुई है, गन्ना की फसलें डूबी हुई है और लोग बच्चे को देखो इस तरह से, स्कूली बच्चे हैं, आने जाने को इसी पानी में मजबूर हैं। तमाम ऐसे जहरीली जीव जंतु पानी में आते जाते रहते हैं, इनका खतरा, इनके जीव का खतरा समस्या बना रहता है। अभी हम आपको आगे भी ले चलेंगे गांव में, वहां भी बात करेंगे और क्या सच्चाई है उसको दिखाएंगे। प्रलय लीला यहाँ आप ये भी देखेंगे कि कुछ घर इस तरह से थे जो छोड़ करके अलग पलायन कर चुके हैं। हमारे साथ ये मौजूद हैं, क्या इनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम हसमत अली है। अच्छा, और कहाँ रहने वाले हैं? इटियाथोक, ग्राम इटियाथोक। अच्छा, तेलियानी रोड। हाँ, और घर डूब गया है पानी। घर डूब गया है आपका? पानी से डूब गया है और सीधा पानी, बर्तन सर्तन सब उसमें डूब गया है। हम लोग किराए पे रह रहे हैं। किराए पे अलग बिल्डिंग पे रह रहे हैं? कौन सा मकान है आपका? कौन सा मकान दिखाइए जरा। ये सामने वाला, ये छपरे का। ये सामने वाला? हाँ, छपरे का मकान। आप ठीक देख सकते हैं कैमरे में, वीडियो में देख सकते हैं कि सामने इस घर के व्यक्ति हमारे पास मौजूद हैं और ये अपना वहाँ से जो भी सामग्री था, अपना परिवार था, वो लेकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। पानी की ये विनाश लीला जितना बताया जाए उससे ज़्यादा है कहीं, लेकिन पूरी बात हम बयां नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, लेकिन इनका दर्द, इनका दुख देखने से खुद अपने आप को बहुत कष्ट महसूस होता है। साथ साथ में ये भी कह रहे हैं लोग कि यहाँ कोई शासन, कोई प्रशासन या कोई कर्मचारी या स्वास्थ्य महकमे की टीम यहाँ अभी तक नहीं आई है। ये बड़ा दुख का विषय है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इनकी जो समस्याएं हैं, जो दुख है, उसमें से जो सहयोग में पड़े सहयोग करना चाहिए। गोंडा में इस खबर से हमारे साथ मौजूद हैं खेमराज। खेमराज, गोंडा के ब्लॉक इटिया थोक में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। आप बता, जैसा कि आप बता रहे हैं 10 दिन से लोग डरे हुए हैं
और इस तबाही से काफी परेशान है और लोगों ने फलायन भी कर रखा है। प्रशासन ने अब तक क्या मदद की है गांव वाले लोग गांव के लोगों के लिए इस पे? जी हम आपको बता दें ये गोंडा मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर इटिया चौक बाजार के समीप बाई तरफ इटालियन कानून गुप्त नाव है। इस पे करीब लगभग में 12 आते हैं और यहाँ की स्थिति दुर्दशा इतनी खराब है, वहां के लोगों से जब बातचीत किया गया और पूछा गया कि क्या समस्या है क्या, तो आपको प्रशासन की तरफ से कोई मुहैया कोई सुविधा मुहैया कराया गया। वहां की लोगों का इस तरह से व्यथा है इस तरह से दुख है कि उन पूरा आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक ना कोई हमको व्यवस्था की है और ना कोई हमारा ध्यान दिया है। सबसे बड़ी समस्या तो ये उसमें एक बेवा थी, बेवा का मतलब उनका पति नहीं था, 30 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। वो दादी जी से बात करने पर इस तरह से वो रोने लगी बिलखने लगी और अपनी समस्याएं बताने लगी कि हमारे पास ना कोई खाने की व्यवस्था है और ना हमारे पास यहाँ से कोई ऐसी सुविधा है कि यहाँ से मैं बाहर बाजार तक चली जाऊं खाने की या दवा की कोई व्यवस्था कर पाऊं। स्थिति वहां की बहुत दुखद है और पूरा आरोप प्रशासन पे लगाया जा रहा है कि अभी तक किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी के द्वारा हमारा हाल लेने नहीं आए हैं। खेमराज आपके माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि पानी कितना बढ़ चुका है और लोगों के घरों के अंदर तक जा रखा है, इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा और दूसरी बात कि प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं दिख रही वहाँ पे आती हुई। तो वहाँ पे आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है और वहाँ पे आपने लोगों से बात भी करी है, लोगों की दिनचर्या कैसे बीत रही है, क्या स्थिति है वहाँ पे लोगों की इस समय? स्थिति बहुत खराब है। स्थिति वहाँ की इस तरह से है कि कमर कमर तक पानी नहीं हम सब जा पाए हैं और वहां की जो रहने वाली माताएं बहने हैं या जो भी वहां के बच्चे हैं कि वो बच्चों को गोदी में लेकर के वो बाहर लेकर आते हैं और उसके बाद में अगर आप आगे जाइए और आगे जाइए तो वहां जा नहीं सकते हैं। 6 फुट 7 फीट पानी भरा हुआ है जहां एक व्यक्ति आसानी से घूर सकता है और वहां की स्थिति में अगर और ज्यादा कुछ बात कहा जाए तो पूरा आरोप यह प्रशासन पे लगाया जा रहा है कि कोई दर्द की दवा या बुखार की दवा या किसी तरीका से हमारा हाल चाल या पूछने आते या जो भी समस्याएं हैं उनके घर में खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रह गया, जो भी था भीग गया और कुछ घर तो इस तरह से मिले कि वो वहां से पलायन कर चुके हैं, आगे किराए पर रूम ले चुके हैं, वहां पे रहते हैं, अपनी बीवी बच्चों को वहां साथ में लेकर रहते हैं और शिक्षा के माने तो कुछ बच्चे भी इस तरह से हैं जो वही है, वहां से बाजार तक 10 दिन हो गया पहुंचे ही नहीं, घर के अंदर रहते हैं, वही उनकी जैसी भी तो उसी में काट रहे हैं। खेमराज सड़कों पे पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है, लोग गांव के लोग पलायन करके दूसरी जगह पर रहने को मजबूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जो उनके मवेशी हैं उनकी क्या हालत है, वो मवेशी तो छोड़ दिए गए होंगे वहां पर? मवेशियों की स्थिति जो है अब वहां जो भी थे मैं तो बाहर छोड़ दिए बाहर कर दिए क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है मनीष जी तो उस समय होता क्या है अपने अपने लिए अपने जीव के लिए वो हो जाते हैं कि हम किसी तरह से बचें हमारे बच्चे बचें। मवेशी की स्थिति तो बाद में देखी जाती है जब सब कुछ सुव्यवस्थित होता है, जब अपना शरीर अपना जो है स्वस्थ रहते हैं तब आदि की प्रक्रिया है। मवेशियों को तो छोड़ दिया गया है, जो भी जैसे भी है जिनकी जैसी स्थिति थी झगड़िया थी उनको तो रख पाए, बाकी बड़े जानवर तो वहां नहीं दिखे कोई भी बड़े जानवर। खबरात वहां के जिला अधिकारी और अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम और पूरे वहां की स्थिति का पूरा आकलन होगा, उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है इस पे? कोई कार्रवाई नहीं, ग्रामीणों द्वारा जब ये दुख दर्द बयां किया जा रहा है कि हमारे तक एक छोटे कर्मचारी भी यहाँ नहीं आए, प्रशासन की तरफ से एक तक पूछने भी नहीं आया, 10 दिन हो गया, घर की स्थिति इस तरह से है कि मतलब वो फट गया है बगल बगल में दीवारें और कोई वहां ये पूछने आया कि आप रहेंगे कहाँ या क्या आपकी व्यवस्थाएं है या कैसे खाएंगे, मतलब क्या समस्या है। हम सब पहुंचने के बाद में जो मीडिया कर्मी वहां पहुंचे हमारी प्राइम टीवी की टीम वहां पहुंची वो अपनी दुख दर्द इस तरह से बयां कर रहे थे जैसे लगता था कि उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी सारा दुख हम उनका हर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हमने अपनी बात की बताया कि आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा कोई जो भी सुविधा मुहैया होगा सरकार के द्वारा हमारे योगी जी के द्वारा बाढ़ में विशेषकर व्यवस्थाएं विशेषकर पैकेज दिया गया है वो सब सुविधा आपको व्यवस्था मिलेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा तसल्ली थोड़ा धैर्य बना के अपने बीवी बच्चों के साथ में आप रहिए, अगर घर देख रहे हैं कि गिरने की कंडीशन में है
या गिर सकता है तो आप उसे छोड़ दीजिए, कहीं किराए पे मकान ले लीजिए, अलग रहिए। तब तक के लिए फिर प्रशासन जैसा भी होगा उनकी तक बात पहुंचाई जाएगी, आज की जिम्मेदारी है, देखेंगे धैर्य बनवाते हैं सब चलेगा। जी हाँ खेमराज, गोंडा में विसुही नदी ने जमकर तांडव मचा रखा है। सैकड़ों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है और पलायन कर लिया है, जिसकी बहुत बुरी स्थिति। प्रशासन की तरफ से उधर कोई मदद नहीं दिख रही है कि वहाँ पर लोगों को इससे कोई सुकून मिला हो। फिलहाल खेमराज, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रायबरेली से, जहां महिला पत्रकार को बिना पंजीकरण के चलते रहे सैनिक अस्पताल की रिपोर्टिंग करने पर अस्पताल में मौजूद दबंग युवकों ने पत्रकार को जमकर पिटाई कर सोने की चेन भी छीन ली है। वहीं पुलिस की पूरे मामले के संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मैं आज यहाँ पे सैनिक हॉस्पिटल आई थी, मतलब लखनऊ का जो हादसा हो चुका है हॉस्पिटलों में, वही सब देखने आई थी कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है इस हॉस्पिटल में। और इस हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने कुछ वीडियो बनाए और फोटो क्लिक किया, तो यही हॉस्पिटल के ही जो 8-10 गुंडे टाइप के लोग थे वो आके मुझको घेर लिए हैं और मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या पत्रकार हैं आप। उसके बाद छीना झपटी करने लगे। छीना झपटी करने के बाद मेरी चैन भी कहीं टूट कर गिर गई है कि लेकर भाग गए हैं। ये हॉस्पिटल कम है, यहाँ पर गुंडे ही ज़्यादा हो रही है। हॉस्पिटल कैसे, यहाँ पर प्रशासन कैसे इन लोगों को कैसे क्या कर रहा है, कैसे हॉस्पिटल इनको निर्माण करने दे रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां इगलास विधानसभा के पूर्व विधायक त्रिलोकी राम दिवाकर पिछले एक महीने से लीवर की बीमारी से परेशान चल रहे थे, जिनका इलाज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में चल रहा था। उनका सुबह निधन हो गया, जिसकी वजह से राजनीतिक जगह में रोष का माहौल है। बता दें कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध शमशान घाट पर किया जाएगा। खबर फरीदाबाद से, जहां भारी बारिश में स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न है, तो वहीं बरसात में पानी में बाइक सवार को डूबकर मौत हो गई है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सर्किट हाउस के सामने भरे बरसाती पानी में नाव चलाकर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। 15 years, एंड ये आप अभी तो खड़े हो पा रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इतना पानी होता है कि स्टिल द थाइस, यहाँ तक आमने सामने में कितनी बार देखा है, कोई कुछ ना कुछ, कोई साइकिल वाला गिर रहा होता है, कुछ हो रहा होता है। अभी तो आप बता रहे हो एक डेथ के बारे में, मैं हज़ार बार बोल चुकी हूँ, अनरिपोर्टेड डेथ केसेस या फिर इंजरी केसेस या फिर जो गाड़ियों का नुकसान रहता है। यहाँ पे हम यूपी से 700 किलोमीटर दूर से नाव ट्रक में लेके आते हैं, हम इस नाव को चलाए सोई गूंगी भरी बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस फरीदाबाद की हालत आप देख रहे हैं, एक दिन की बारिश में क्या हाल हो चुका है, गाड़ियां ख़राब हो चुकी हैं, लोगों की मेरी नंबर प्लेट तक उखड़ चुकी है। ये सभी चीज़ों पर आज हम बात करें, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल डीजल हो, चाहे दाल हो, हर चीज़ में ये सरकार फेल है। अपने जो उन्होंने प्रोमिसज किए थे बिफोर इलेक्शन 2000। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बारिश के चलते पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, जहां कंपनी से घर लौट रहे शख्स की सड़क पर जल भराव पर भरे पानी में डूबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की यह जिम्मेदारी है कि अगर कहीं जल भराव हुआ है तो उस जल भराव की जगह पानी निकासी कराई जाए। ये उपेंद्र तिवारी है, हमारे साथ ग्लेन अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। क्या हुआ, क्या इन्होंने तो ऐसे ड्यूटी आया था, ड्यूटी से सही 9 बजे टाइम से छुट्टी हुई, 9 बजे शाम को इन्होंने निकला, लेकिन घर तक सही नहीं पहुंचे। जब फोन एक बार पिक हुआ, उन्होंने पुलिस वाले ने बोला कि उन्होंने जब उठाया पिक किया फोन को, तो उन्होंने बोला कि ये जो फोन कर रहे आप इनको जानते हो, हम लोग बोले कि हाँ फोन कर रहे, ये कहाँ पे है, तो इन्होंने बोला कि ये 21 सेक्टर 21 सी के पत्थर वाले मार्केट के पास है, पड़े हुए पानी बहुत चारों तरफ फैला हुआ है, ये घर तक निकले हैं। इन्होंने अपना फोन और ये सब, जैसे मैं बाद में पता लगा कि ये फोन डिक्की में रख दिया है और अपने आप को कवर करके निकले हैं। ये मेवला महाराजपुर के रहने वाले, IMT फैक्ट्री से मेवला महाराजपुर तक ये किसी तरीके से पहुंचे हैं, और वहां पर जाने के बाद मतलब इनके साथ क्या हादसा हुआ हमें तो आज सुबह पता लगा। हमारी चौकी में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी है जो मृत अवस्था में मार्बल मार्केट में गिरा हुआ है, तो कार्रवाई के लिए मैं वहाँ पहुँचा
वहां पहुंच के जो मर्त अवस्था में व्यक्ति था उसके जो मोटरसाइकिल थी उसकी डिग्गी से चेक किया तो डिग्गी में चाबी लेके चाबी निकाल गए और मोबाइल निकाला। मोबाइल पे फिर इनके घर वालों का फोन आया था कि ऐसे ऐसे भाजी हमारा आदमी है ऐसे ऐसे, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए अब यहाँ बीके हॉस्पिटल में लेके आए हैं। खबर फतेहपुर से, जहां कीर्ति खेड़ा निवासी सतेंद्र कुमार को पुलिस ने एटीएम हैक करने के इल्जाम में कुछ दिन पहले ही हिरासत में लिया था, जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिस पर परिजनों का आरोप है कि पुलिस थाने में उसकी पिटाई करती थी और रिहाई के बदले 3 लाख रुपए की मांग कर रही थी। बता दें कि पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। आपके छोटे भाई को पुलिस वालों ने उठा लिया है, तो आप आके मिल लो। मैं गया वहाँ पे राधा नगर चौकी पे, तो वहाँ पे मैंने बात किया तो हमको सुबह 11 बजे के आसपास मुझे मिलने नहीं दिया। कहें आप 3 बजे के बाद आइए, आप यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। फिर मुझे मैं पता किया तो पता चला कि उसको गुरुवार के दिन उठा के लाए थे वहाँ से, गुरुवार को उठा के लाए और 4 दिन तक लगातार उसको वहीं पर रखे। मैं कल मिला उससे, मिलने के 3-4 बजे के बीच में मैं जा गया वहाँ पे, पुनः उससे मिला तो मैंने उससे पूछा छोटे भाई से कि काहे के लिए तुमको उठा के लाए, तो बताया कि कोई एटीएम के उसमें उठा के मुझे लाए। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद भी फतेहपुर पुलिस नहीं सुधर रही है। बता दें कि ललौली थाना क्षेत्र के कीर्ति खेड़ा में युवक काम करता था। आपको बता दें कि युवक के ऊपर एटीएम हैक करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में मूर्ति विसर्जन में शामिल होने के दौरान गोली लगने से युवक की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया है। घटना में इस्तेमाल पिस्टल, कारतूस, क्षतिग्रस्त बुलेट बरामद कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। जनपद गोरखपुर के शाहपुर थाना अंतर्गत 7 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक मूर्ति जा रही थी जो खजांची चौराहे पर रखी गई थी। जब वो खजांची चौराहे ससुरन पे आई तब उस मूर्ति के पीछे पीछे चल रहे कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ। उसी समय एक लकी निषाद नाम के व्यक्ति द्वारा 3 राउंड फायर करके एक विकास तिवारी नाम के व्यक्ति को गोली मारी। खबर हरदोई से, जहां खेत की निगरानी कर रहे किसानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 किसान बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बिजली गिरने से एक जानकारी पर ग्रामीणों ने घायल किसानों को अस्पताल में पीएससी में भर्ती कराया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसानों के शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना के बाद एडीएम वंदना त्रिपाठी ने मृतक के परिजनों को मुआवजे की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। जनपद हरदोई की तहसील सबायजपुर के पाली क्षेत्र में आज सुबह आकाशीय बिजली गिरने के कारण 2 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें मुनिराज और राजेंद्र नाम के 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई और 1 व्यक्ति आंशिक रूप से घायल हुआ है। और मौके पर हमारे मजिस्ट्रेट वहीं पर हैं, पंचायतनामा भरा जा चुका है तथा आज ही उनको दैवीय आपदा के अंतर्गत धनराशि प्रदान कर दी जाएगी। खबर हरदोई से, जहां शाहबाद कस्बे में बारफात जुलूस को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे शहर में धूमधाम से जुलूस को निकाला गया। वहीं हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत कर शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। मुफ्ती सहादत हुसैन ने बताया कि आज के दिन मोहम्मद साहब ने अरब की ज़मीन पैदा हुए और वहाँ से जुआ शराब डकैती को ख़त्म कर प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। इस मौके पर SP राजेश द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद रहा। उप मुख्यमंत्री विजय पाठक पहुंचे रायबरेली। सरेनी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जाने वाला मार्ग जहां सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, इसका भी अनुमान लगा पाना मुश्किल है। ऐसे में लोगों के साथ मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। वहीं अधिकारी खराब सड़कों को लेकर सुधर ही नहीं रहे हैं।
हमारी जो रोड है ये पुरानी सरेनी से और सरकारी हॉस्पिटल को गई हुई है जी। ये इसमें बहुत ज़्यादा खड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है और जिसके लिए अस्पताल आने जाने वालों को, महिलाओं या पुरुष हो या बच्चे हो, सबको दिक्कत होती है और पेशेंटों को तो और से ज़्यादा दिक्कत होती है। सरस्वती में चार दिन से हो रही बारिश से जहां लोगों का जनजीवन अस्वस्त है, जनपद में करीब 200 से अधिक गांव जलमग्न हैं। कुछ जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और पीएसी जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला है। वहीं प्राइम टीवी न्यूज चैनल संवाददाता ने बाढ़ग्रस्त गांव का जायजा लिया। सारे लोग फंसे पड़े हैं, सब भूखा प्यासा रहते हैं, सारा जितना भी गल्ला था सब नुकसान हो गया और वहाँ गले ले ले पानी है, इतना पानी है, सब व्यवस्था है नहीं और वहाँ पशुपया जानवर कहाँ पे है, सब पानी में डूब रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री आप लोग? कोई व्यवस्था वहाँ है नहीं, एकदम पूरा ना कोई प्रधान से व्यवस्था है, ना प्रशासन से कोई व्यवस्था है, ना कोई देखने आया है, ना कोई नाव है, ना कुछ है वहाँ पे। आई भीषण बाढ़ इस समय तबाही लेकर के आई है श्रावस्ती जनपद में, कई गांव जलमग्न हो गए हैं, लेकिन प्रशासन का दावा है कि गांव में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है, एनडीआरएफ टीम लगी है, लोगों को सुरक्षित बाहर लाया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ यहाँ इस समय कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या उनके गांव में उनको खाने पीने के लिए प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई गई है कि नहीं। चाचा कहाँ रहते हैं? हाँ, वहीं पे बैठा हूँ। प्रशासन दावा कर रहा है कि गांव में बाढ़ को लेकर के जो है गांव में लोगों को तक राहत सामग्री पहुँचाई गई, क्या आप लोगों को राहत सामग्री मिली है? कहाँ रहते हैं आप लोगों को राहत सामग्री मिल पाया है? हाँ, मिल पाया। कैसे आप लोग? अरे बच्चे बैठे हैं, बचावा जा। हमारे साथ यहाँ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या हम लोग को राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है कि नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप लोगों तक कोई राहत सामग्री पहुँची है? पास नहीं है। जैसा कि हम ग्रामीणों से बात किया है, उनका कहना है कि बाढ़ में प्रशासन द्वारा कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी उन तक पहुंचा है कि उन लोगों का दुख दर्द समझ सके। आपको हम तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं, जो हरगौरा मोड़ से समरी चौराहा तक जाने वाला मार्ग है जिससे तेज बहाव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मेन रोड से पानी बह रहा है, लोग आ जा रहे हैं। तस्वीरें ये जिला मुख्यालय भिड़िया से जोड़ने वाली है, खरगोरा मोड़ से ये अमुआ चंबी चौराहा तक जा रही है। श्रावस्ती से प्राइम टीवी के लिए प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी आदर्श नगर में केशव भवन का उद्घाटन हुआ, जिसके चलते संघ कार्यालय केशव भवन का हवन पूजन कर उद्घाटन किया गया। तो वहीं हवन पूजन के दौरान मुख्य रूप से संघ प्रांत प्रचारक सहित संघ के नेतागण उपस्थित रहे। इस दौरान माधव समर्पण समिति के अध्यक्ष नरोत्तम गर ने बताया कि पूर्व में जर्जर अवस्था में संघ कार्यालय मौजूद था, जिसे नवनिर्माण कर केशव भवन के रूप में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद का अति पिछड़ा क्षेत्र खोड़ा क्षेत्र है। अपना माधव समर्पण समिति जो पूरे क्षेत्र में सेवा के लिए कार्य करता है, उसने यहाँ केशव कुंज भवन का आज निर्माण हुआ है। इस भवन में सेवा के कार्य निरंतर चलते रहेंगे। केशव कुंज एक अपना नवनिर्मित भवन ये बनाया गया है। माधव समर्पण समिति न्यास के तत्वावधान में ये कार्य करेगा। यहाँ पर अभी आज एक अध्ययन केंद्र का भी उद्घाटन हुआ है हवन के साथ साथ। अध्ययन केंद्र में जो यहाँ रहने वाले छात्र हैं, जिनके घर में पढ़ने की सुविधा नहीं है या घर में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वो यहाँ आकर के स्वाध्याय कर सकते हैं। खबर मैनपुरी से, जहां ताऊ के ही लड़के ने बहन के साथ दुष्कर्म किया, तो वहीं लड़की 3 महीने से गर्भवती होने पर उसने ताऊ के लड़के पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
बता दें कि लड़की वालों के आरोपी पक्ष से सुलहनामा कर गर्भपात कराने और शादी का पूरा खर्च उठाने की सहमति हुई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि शादी का वादा कर बेटी को अपने साथ ले गए, जहां उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। कुरावली थाना अंतर्गत एक महिला द्वारा आज थाने पर तहरीर दिया गया कि उसके जेठानी के लड़के द्वारा उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया गया और उसके पश्चात उसको जलाने की कोशिश की गई। उनके द्वारा 6 तारीख को घटित इस घटना की सूचना आज थाने पर दिया गया। पहले उसका इलाज जिला अस्पताल में हुआ और वहां से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबर लखनऊ से, जहां वाल्मीकि जयंती के अवसर पर नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ने नगरीय निकाय निदेशालय में आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान दिवस कार्यक्रम में सफाई कर्मियों को शाल देकर उन्हें सम्मानित किया। नगर विकास मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता आई है और आज प्रदेश स्वच्छता की रैंकिंग में देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहले पायदान पर पहुँच गया है। इस मौके पर ए के शर्मा ने बताया कि साफ सफाई को समस्या के समाधान के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सेल बनाए जाएंगे, जिससे सफाई कर्मियों को समस्याओं का समाधान के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सफाई मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।